तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस ऑल वेल। फिर से बॉलीवुड की कुछ नया नया अपडेट लेके आ गया हूँ मैं। जैसे संजू बाबा की हेल्थ अपडेट आया है और ये अपडेट कंगना रनौत खुद शेयर किया। उन्होंने क्या बोला वो बताने वाला हूँ। एंड उदित नारायण के बेटा आदित्य नारायण, जिसके साथ नेहा कक्कर की रिलेशन था, तो आदित्य नारायण शादी करने जा रहा है। उसी शादी में क्या नेहा आएगा? नहीं, क्यों नेहा कक्कर उसके शादी में आ सकता है ऐसा बोल रहा हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। एंड फाइनली हर्षली मल्होत्रा की एक पिक्चर वायरल हुआ था, तो कुछ लोगों का क्वेरीज था कि हर्षली क्या स्टडी में ध्यान दिया या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। तो हर्षली ने खुद उसका ओपिनियन बताया, उन्होंने क्या बताया वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। और अभी तक अपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी फिल्म रिलेटेड खबर सामने आते मैं ऐसे ही कवर करते रहता हूँ। तो बस एक ही सब्सक्राइब करना है, कर दो और पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबर न्यू गॉसिप से अपडेटेड रहो। सो लेट्स टॉक अबाउट हर्षली मल्होत्रा। कुछ दिन पहले एक पिक्चर वायरल हुआ था, वो बजरंगी भाईजान की मुन्नी का। तो शॉक हो गया जब वो मुन्नी का ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर देखा था। लोगों का क्वेरीज भी बढ़ गया था कि हर्षली क्या अब स्टडी में ध्यान दिया या फिल्म करने के लिए तैयार हो रहा है। तो हर्षली इसके ऊपर बात करते हुए इंटरव्यू में कहा सलमान खान के साथ फिर से काम करना चाहते हैं, क्योंकि सलमान खान इतना अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट करता है, उन्होंने और भी सलमान खान के साथ काम करने के लिए रेडी है। एंड उन्होंने और भी कहा कि स्टडी के ऊपर अभी उन्होंने ध्यान दिया, उसका करियर पहले और उसके बाद उसके पैशन है, तो पहला फोकस तो स्टडी के ऊपर ही रहेगा, उसके बाद उसका पैशन के ऊपर ध्यान देगा। हर्षली ने आगे बात कहते हुए कहा काफी फिल्म का ऑफर ऑलरेडी उसके पास है, जैसे साउथ से भी कुछ फिल्म का ऑफर उसके पास आया था, तो ऐसे ही अगर पसंद की स्क्रिप्ट उसके पास आएगा तो उन्होंने जरूर एक्टिंग में फिर से आएगा। एंड दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में जो अकाउंट है हर्षली मल्होत्रा की, वो अकाउंट उसके मम्मी चलाता है। एंड जब पहली बार बिग स्क्रीन पर दिखाई दिया था बच्चा मुन्नी को, तब उसका उम्र था 7 साल, अभी उसका उम्र हो चुका है 12 साल। चलिए अपने स्टोरी के बारे में बात करते हैं। बहुत दिनों से संजू बाबा लेके कोई अपडेट सामने आया ही नहीं था। संजू बाबा की हालत अभी कैसा है, कौन सी सिचुएशन में उन्होंने है, ये लेके कोई भी अपडेट सामने आया नहीं था। लेकिन रिसेंटली कंगना रनौत खुद संजय दत्त की हेल्थ लेके सोशल मीडिया में कुछ शेयर किया। दोस्तों हम लोगों को पता ही है कि KGF चैप्टर 2 के लिए संजय दत्त हैदराबाद में पहुंच गया था। एंड सलाइवी मूवी के लिए कंगना रनौत भी हैदराबाद पहुंच गया था। एंड कंगना रनौत जिस होटल में शूटिंग के बाद गया था उसी होटल में ही संजय दत्त भी था। एंड जब भी खबर मिला कंगना को तो संजय दत्त के पास गया था। कंगना ट्वीट करते हुए बताया हम दोनों एक ही हैदराबाद में होटल में रुके हैं, एंड आज सुबह संजू बाबा के साथ मैंने मिलने गई थी। एंड जब मैंने गया था उसके पास तो मैंने शॉक हो गई थी, पिछले से भी ज्यादा बहुत फिट हो गया संजू बाबा, हम उसकी लंबे उम्र और सेहत की कामना करते हैं। KGF चैप्टर 2 संजय दत्त के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी है, क्योंकि एक बहुत ही एक हाई बजट की मूवी है। और इसका पहला जब पार्ट रिलीज हुआ था जो 2018 में जीरो फिल्म के साथ रिलीज हुआ था, एंड रिलीज होने के बाद तहलका ही मचा दिया था, तो लोग भी वेट करके बैठे कि ये फिल्म कब थिएटर में आएगा एंड चैप्टर 1 की जैसी इस फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर करे। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आदित्य नारायण जिसके साथ नेहा कक्कर की रिलेशन था, उसके शादी हो रहा है 1 दिसंबर, उन्होंने खुद ये अनाउंसमेंट दिया है। लेकिन क्या नेहा कक्कर इसी शादी में आएगा? नहीं, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते। दोस्तों शादी के बाद ही नेहा कक्कर हनीमून में चला गया था। नेहा कक्कर की शादी हुआ था पंजाब में, एंड जब हनीमून से वापस आया था तो वो आया था मुंबई में, एंड आदित्य नारायण की सिटी भी मुंबई में, एंड उसकी शादी भी मुंबई में ही होगा। तो क्या जानबूझ के आदित्य नारायण मुंबई में कर रहा है उसकी शादी? हम लोगों को पता है कि कितना प्यार था आदित्य और नेहा के बीच में, क्योंकि इंडियन आइडल में आदित्य की मम्मी पापा खुद आके बताया था उन लोगों की शादी के बारे में। एंड गोवा में जब गया था तो उसका पिक्चर भी बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। एंड उसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम के बाद रोहन प्रीत के साथ शादी करके सबको चमका दिया था। एंड उसके बाद आदित्य कोई विश नहीं किया, उन्होंने नेहा के शादी में अटेंड भी नहीं किया था। लेकिन इतना जल्दी आदित्य उसके गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ शादी के लिए डिसाइड कर लिया, तो लोग तो सोचने लगे कि कोई तो कनेक्शन है नेहा के साथ। एंड अभी दोनों ही मुंबई में मौजूद है तो शायद आ ही सकते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों कैसा लगा आज की सब बॉलीवुड न्यू गॉसिप सुनके? जरूर बताना आपकी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।